नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो एसएससी स्टेनो 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। स्टेनो 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि नोटिफिकेशन से पहले हमारे पास ढेर सारी जो वैकेंसी हैं, स्टेट वाइज जो वैकेंसी हैं, उसके अलावा जोन वाइज जो वैकेंसी है, उनका आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। यहाँ पर हमारे पास कस्टम, डायरेक्टरेट और डीजीपीएम की स्टेनो ग्रेड 1 और स्टेनो ग्रेड 2, इन दोनों की स्टेट वाइज जो वैकेंसी है वो डाटा हमारे पास आ चुका है। अच्छी खासी वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हुई है। उसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों की आपकी जोन वाइज जो वैकेंसी है उनका डाटा हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ से इस वीडियो से आपको ये भी पता चलेगा कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी, ओवरऑल किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ से आपको ये आइडिया लगा पाएंगे कि आपके अगर स्टेट में आपको सिलेक्शन चाहिए तो वहाँ पे कितना कि आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी टारगेट स्कोर के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है उसका आइडिया आपको यहाँ पे मिलने वाला है। उसके अलावा टोटल कितनी क्या वैकेंसी आपकी आ सकती है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उसके अलावा अगर आप एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टेनो के रिगार्डिंग जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजल जैसा है। और यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि सीएचएसएल सीजल एग्ज़ाम में आए हुए हैं। बाकी जो लेटेस्ट वाले पैसेज हैं वो भी बहुत जल्द हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान वो परचेज कर सकते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये वैकेंसी का चार्ट, ये स्टेनो ग्रेड 1 की वैकेंसी है। यहाँ पे मतलब कस्टम की वैकेंसी है, डायरेक्टरेट की वैकेंसी है, ओवरऑल जितनी भी वैकेंसी है सारा कुछ यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टेनो ग्रेड 1 की अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पे 7 वैकेंसी है। भोपाल में अगर हम बात करें तो 2 वैकेंसी है। उसके अलावा चंडीगढ़ में आपकी, भुवनेश्वर में एक भी वैकेंसी नहीं है। चंडीगढ़ में बात करें तो 12 वैकेंसी है। चेन्नई सीजीएसटी में आपकी स्टेनो ग्रेड 1 की जो वैकेंसी है वो 14 है। उसके अलावा आप देख सकते हैं चेन्नई में कस्टम में जो वैकेंसी है वो 2 हैं। उसके अलावा दिल्ली में स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की 3 वैकेंसी है। डीजीपीएम में स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की 7 वैकेंसी है। गोवा में सीजीएसटी की ग्रेड 1 की 0 वैकेंसी है। उसके अलावा गोवा कस्टम में आपकी ग्रेड 1 की 1 वैकेंसी है। गुवाहाटी में ग्रेड 1 की 0 वैकेंसी है। हैदराबाद में स्टेनो ग्रेड 1 की 3 वैकेंसी है। जयपुर में स्टेनो ग्रेड 1 की 0 वैकेंसी है। ये वैकेंसी फाइनली आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, यानी कि ये वैकेंसी आपकी एग्जिस्ट करेगी जब नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। कोलकाता में सीजीएसटी की स्टेनो ग्रेड 1 की 3 वैकेंसी है। कोलकाता कस्टम में जो वैकेंसी हैं स्टेनो ग्रेड 1 की वो 0 वैकेंसी हैं। लखनऊ में 0 वैकेंसी हैं। मुंबई में कस्टम में 5 वैकेंसी हैं। पुणे स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 में आपकी कितनी वैकेंसी हैं आप देख सकते हैं, 7 वैकेंसी है। रांची स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 में 7 वैकेंसी। ओवरऑल यहाँ पे जो वैकेंसी हैं वो 72 वैकेंसी। कैटागरी वाइज अगर देखेंगे तो यूआर की 35 वैकेंसी है, एससी की 10 वैकेंसी है, एसटी की 6 वैकेंसी है, ओबीसी की 14 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 7 वैकेंसी है। ऐसे ही स्टेनो ग्रेड 2 की भी आप देख सकते हैं, स्टेनो ग्रेड 2 में अच्छी खासी वैकेंसी है। ओवरऑल 240 वैकेंसी है जिसमें यूआर कैटागरी की 107 वैकेंसी है, 38 वैकेंसी एससी की है, एसटी की आपकी 16 वैकेंसी, ओबीसी की 48 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की 31 वैकेंसी है। मैक्सिमम वैकेंसी यूआर की, यहां पे यूआर में क्या होता है जो अदर कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो भी यूआर की वैकेंसी ले जाते हैं, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं बेंगलुरु में आपकी स्टेनो ग्रेड 2 की जो वैकेंसी है वो 22 है। उसके अलावा भोपाल में स्टेनो ग्रेड 2 की 16 वैकेंसी हैं। भुवनेश्वर में आपकी 5 वैकेंसी हैं। चंडीगढ़ में आपकी 19 वैकेंसी हैं। चेन्नई सीजीएसटी में 23 वैकेंसी हैं। चेन्नई कस्टम में आपकी 12 वैकेंसी हैं। दिल्ली में आपकी 20 वैकेंसी हैं। उसके अलावा डीजीपीएम में आपकी 14 वैकेंसी हैं। गोवा में सीजीएसटी में 0 वैकेंसी है। गोवा कस्टम में भी 0 वैकेंसी है। गुवाहाटी में आपकी 8 वैकेंसी हैं। उसके अलावा हैदराबाद में आपकी 13 वैकेंसी हैं। उसके अलावा जयपुर में आप देख सकते हैं 1 वैकेंसी है। कोलकाता में आप देख सकते हैं 28 वैकेंसी है। कोलकाता में कस्टम में सीजीएसटी में 28 वैकेंसी है लेकिन कस्टम में 1 भी वैकेंसी नहीं है। ऐसे लखनऊ में देख सकते हैं 1 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा मुंबई कस्टम में आपकी 8 वैकेंसी हैं। पुणे में आपकी 9 वैकेंसी हैं। रांची में आपकी 4 वैकेंसी हैं। उसके अलावा तिरुवनंतपुरम में आप देख सकते हैं पूरा डाटा है, 240 ओवरऑल स्टेनो ग्रेड 2 की हैं और स्टेनो ग्रेड 1 में कितनी है आपकी 72 है वैकेंसी, 72 वैकेंसी यहाँ पे हैं और आपकी 240 ही हैं। तो आप देख सकते हैं
कि 7411 यानी कि 311 वैकेंसी का डाटा ये मैंने आपको दिखा दिया, 311 वैकेंसी ये हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपकी स्टेनो ग्रेड सी और डी दोनों की आप देख सकते हैं स्टेट वाइज कितनी क्या वैकेंसी। अगर हम अहम ये वैकेंसी फाइनली आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 283 वैकेंसी, जिसमें यूआर की 134 वैकेंसी हैं, उसके अलावा एससी की 46 वैकेंसी हैं, एसटी की आपकी 21 वैकेंसी हैं, उसके अलावा ओबीसी की 58 वैकेंसी हैं, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की आपकी 24 वैकेंसी। तो ओवरऑल मैंने आपको वो 311 कुछ और 283 ये, यानी कि आप लगभग देख सकते हो कि 600 वैकेंसी का मैंने आपको डाटा दिखा दिया। ये 600 वैकेंसी ये अभी रिपोर्ट हो चुकी हैं आपकी, ठीक है। अभी बात करेंगे कितनी क्या वैकेंसी ओवरऑल आपकी आ सकती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अहमदाबाद में 49 वैकेंसी हैं, बेंगलोर में आपकी एक भी वैकेंसी नहीं है, भोपाल में आपकी 11 वैकेंसी है, उसके अलावा भुवनेश्वर में आपकी 10 वैकेंसी हैं, चंडीगढ़ में आपकी 17 वैकेंसी हैं, चेन्नई में आपकी 44 वैकेंसी हैं, दिल्ली में अच्छी वैकेंसी 51 वैकेंसी है, गुवाहाटी में आपकी 8 वैकेंसी, हैदराबाद में आपकी 20 वैकेंसी है, जयपुर में 18 वैकेंसी हैं। तो इस बार नॉर्थ इंडिया में भी अच्छी वैकेंसी हैं, कानपुर में 0 वैकेंसी है, कोच्चि में आपकी 14 वैकेंसी हैं, कोलकाता में 0 वैकेंसी है, लखनऊ में 4 वैकेंसी हैं, मुंबई में आपकी 19 वैकेंसी हैं, बाकी नागपुर में 0 वैकेंसी है, पटना में 0 वैकेंसी है, पुणे में आपकी 18 वैकेंसी है। ओवरऑल जो वैकेंसी है वो 283 है। तो आप देख सकते हैं स्टेट वाइज कितनी वैकेंसी है, आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है। तो इस बार आप देख सकते हैं भोपाल में भी 11 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा दिल्ली में आप देख सकते हैं अच्छी खासी वैकेंसी है, 51 वैकेंसी है, उसके अलावा जयपुर में आप देख सकते हैं 18 वैकेंसी है। तो नॉर्थ इंडिया में भी अच्छी वैकेंसी एग्जिस्ट करती है। बाकी MEA में भी वैकेंसी जो है उसका भी रिप्लाई बहुत जल्द आने वाला है, और भी मिनिस्ट्री का रिप्लाई बहुत जल्द आने वाला है, तो जैसे वो रिप्लाई आएगा मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप देख सकते हैं 600 वैकेंसी का चार्ट मैंने आपको दिखा दिया, ये 600 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं कितनी क्या वैकेंसी ओवरऑल आ सकती है। तो ये अनुमान है कि 1500 या उससे ज़्यादा वैकेंसी आपकी आ सकती हैं, ठीक है। 1500 अगर वैकेंसी आती है तब भी एक अच्छी खासी वैकेंसी स्टेनो के पॉइंट ऑफ व्यू से मानी जाएंगी। तो अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहो, और अपना जो टारगेट है उसके रिगार्डिंग मैंने बता दिया कि कितने का आपको टारगेट लेके चलना है। अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो। बाकी स्टेनो के साथ साथ और भी एग्ज़ाम है, जैसे कि सीजीएल का प्री लगा हुआ है, तो उन पे भी आपको फोकस करना है। ऐसा नहीं कि किसी एक ही एग्ज़ाम के भरोसे आपको रहना है, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन करते रहो, बाकी वैकेंसी जो है वो अच्छी खासी आएंगी, और भी जो मिनिस्ट्री है उनकी वैकेंसी जैसे ही आएंगी उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी अगर आप स्टेनो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस चैनल पर जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आप CHSL CGL एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग और कंप्यूटर ये दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनकी प्रिपरेशन जो है वो साथ साथ करते रहो। कम से कम आधा घंटा डेली आप टाइपिंग और कंप्यूटर पे दो, तब कहीं ना कहीं चीज़ें आप कर पाओ, क्योंकि इसमें भी ढेर सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया, जिसका इंटरफेस बिल्कुल SSC CHSL CGL जैसा है, और यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि CHSL CGL एग्ज़ाम में आए हुए हैं। बाकी जो लेटेस्ट वाले पैसेज हैं वो भी बहुत जल्द यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं, और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को दस शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।